जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अवध विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में इन तीन प्रश्नों से अक्सर न्यूमेरिकल प्रश्न आते हैं, आपको मैथ्स के प्रॉब्लम आते हैं। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इन तीन को कि अगर इससे प्रश्न आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। मैथमेटिका बहुलक, मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं माध्य के बारे में, मीन के बारे में। कई बार अक्सर आपसे थ्योरी भी पूछा जाता है कि माध्य किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मीन। माध्य क्या है? दी गई संख्याओं का औसत है। जो भी संख्याएं आपको दी गई हैं इसका औसत ही इसको माध्य कहते हैं। और इसको कैसे निकालते हैं? निकालने के लिए दी गई संख्याओं के योग को संख्याओं की कुल संख्या से विभाजित करने पर इसकी गणना की जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसे श्रेणी में कोई संख्या दी गई है 2, 4, 6, 8, 10 और इसका माध्य ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है? सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। तो इन सबको आपस में जोड़ लीजिए, सबको आपस में जोड़ेंगे तो 30 प्राप्त होगा। और टोटल कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 संख्या है। तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका माध्य यहाँ पे निकल गया, आपका मीन यहाँ पे निकल गया। अगर इंग्लिश की बात करें तो मीन क्या है भैया? मीन इज द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर एंड हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड। दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द गिवन नंबर बाय द टोटल नंबर्स ऑफ नंबर। हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड, जितने भी नंबर दिए उसको जोड़ लीजिए और जितनी संख्या है उससे आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका मीन यानी कि माध्य निकल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एक मीन माध्यम निकालने का एक और तरीका है माध्य निकालने का, वो अगर इस प्रकार से आपको प्रश्न दे दे, आपको ऐसे सीरियल वाइज करके आपको बॉक्स बना के प्रश्न दे दे तो इसका माध्य कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपने देखा आपको क्या करना था, पहले सारे नंबर्स को आपने जोड़ लिया, उसके बाद जितने नंबर्स हैं आपने उससे डिवाइड कर दिया, इसी तरीके से निकलता है। तो मान लीजिए आपको प्रश्न इस प्रकार से दे दिया गया है, एक तरफ x की वैल्यू और एक तरफ f की वैल्यू यहाँ पे आपको दे दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, इसको आपस में गुणा करा लीजिए, मल्टीप्लाई करा लीजिए। और जैसे मल्टीप्लाई आपने इसको करा लिया, 11 3 जा 33, 14 6 जा 84, 17 8 जा 136 एंड 27 जा 140। आप दोस्तों इसने आपको ने इसको आपस में मल्टीप्लाई करा लिया और मल्टीप्लाई करा के वैल्यू यहाँ आपने लिख दिया। अब बस सिंपल सी बात है, इन सब को जोड़ लीजिए, इन सब को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आता है इन सब को जोड़ लीजिए और आपस में डिवाइड कर दीजिए कुछ इस प्रकार से। आपने इन सब को जोड़ लिया, 393 आ गया और 24 से डिवाइड कर लीजिए तो आपका मीन यहाँ पे निकल गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको मीन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मीन कैसे निकालते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये माध्यम, माध्यम एक बार मैं रिपीट कर दूँ, ये कैसे निकालते हैं माध्य, आप सारे संख्याओं को जोड़ लीजिए और जितनी संख्याएँ उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका यहाँ पे माध्य निकल जाएगा। अगर इस प्रकार से आंकड़ा दिया हो तो क्या करेंगे आप, इस प्रकार से अगर आंकड़ा दिया हो तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए, गुणा करा लीजिए और गुणा कराने के बाद जो सम आता है उसको जोड़िए और इसको जोड़ के आपस में डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ पे माध्य निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए माध्य की बात हो गई खत्म, अब चलेंगे हम दूसरे पॉइंट के पे, माध्यिका, मीडियन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मीडियन की पहले आप परिभाषा देखिए, आंकड़ों के समूह के मध्य का वह मान जो संपूर्ण वितरण को दो बराबर भागों में विभक्त करता हो उसे माध्यिका कहा जाता है। कहने का क्या मतलब है, इसको आसान से भाषा में समझिए। जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ का दो बराबर भागों में डिवाइड करना है, मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लीजिए कि आपके घर कोई मिठाई आ गई, आपको दो लोगों में इसको डिवाइड करना है एक मिठाई को, तो आप बिल्कुल बीचों बीच भाग से कट करेंगे कि आधा आधा दोनों तरफ बराबर हो जाए। ठीक है, तो यही कह रहा है कि आंकड़ों के समूह के मध्य का वह मान जो संपूर्ण वितरण को बराबर दो भागों में विभक्त कर दे। अब यहाँ पे देखिए इस संख्या को, इस संख्या में आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ संख्याएं हैं, तो इसका बीच में कौन सी संख्या बीच के दो बराबर भागों में विभक्त करेगी? अगर मैं 1, 2, 3, 4 ये पांचवें संख्या को घेर दूं तो आप देखेंगे इधर भी चार संख्याएं हैं, इधर भी चार संख्याएं, मतलब यह बीच का मान इन दोनों को बराबर भागों में विभक्त करता है, तो उसी बीच के मान को हम माध्यिका कहते हैं। लेकिन 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 इसमें एक पॉइंट आपको ये और करना है कि यदि आंकड़ा को उनके मापों के आधार पर क्रमबद्ध किया जाए, यानी अवरोही और आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो लगभग बीच का मान माध्यिका होता है। मतलब अगर आपको ये प्रश्न दे दिया तो आपको क्या करना है, पहले घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में इसको सजा लीजिए। ठीक है, सबसे छोटा क्या है 2, उससे छोटा क्या है 4, उससे छोटा क्या 5, 5, 5 है, फिर 7, 8, 9, 11, आपको इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना है, फिर उसके बाद से बीचों बीच में आपको डिवाइड करना है।
टोटल कितनी संख्या है? 9 संख्या है। तो 9 संख्या में पांचवी जो संख्या होगी वह इनको बराबर बराबर भागों में बांटेगी, मतलब चार भाग इधर मिल जाएंगे, चार संख्या और चार संख्या। तो यह बीच का जो मान होगा वह ही हमारा माध्यिका होगा। ये समझने वाली बात हो गई, ठीक है। अब आइए इसको देखेंगे कि हम वो इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज द मीडियन? द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ इन अ लिस्ट ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में जो आपका मिडिल वैल्यू होगा ना, वही यहाँ पे आपका मीडियन होगा। अब आइए इसको हल कैसे करेंगे, कैसे संख्याओं में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको संख्या में कैसे लिखना है, आपने ये संख्या लिख लिया। संख्या लिखने के बाद आप देखेंगे इसको अरोही क्रम में कर लेंगे, ठीक है, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में कर लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले इसमें कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं हैं। तो लिखेंगे n इज इक्वल्स टू 9, आपने 9 लिख दिया। अब आपको मीडियन निकालने का फॉर्मूला आता है, m इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो n की जगह पे 9 और 1 की जगह पे 1, तो 9 प्लस 1 बाई 2 मतलब 10 बाई 2 इज इक्वल्स टू 5। वहाँ पद यहाँ पे देखिए, पांचवा पद जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, पांचवा पद यहाँ पे आपका माध्यिका होगा। तो गिन लीजिए पांचवा पद क्या है, 1, 2, 3, पांचवा पद आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। अब दूसरी समस्या ये है कि मान लीजिए इसमें 9 पद हैं, तो हमने बीचों बीच का ले लिया, चार इधर रह गए, चार इधर रह गए। अगर मान लीजिए 10 पद आता है, ये मान लीजिए यहाँ पे 15 एक और संख्या है, अब टोटल 10 हो गए, तो 10 की कंडीशन में हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो बिल्कुल वैसे ही डिवाइड करना है जैसे मान लीजिए संख्याएं आपकी टोटल 10 हैं, सम संख्या है, तो आप क्या करेंगे, दो बीच के पद ले लीजिए। एक ये देखिए, आप दो पदों को ले लीजिए, अब इधर भी चार रह गए, इधर भी चार रह गए, अब इन दोनों को आपस में जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5 + 7/2 कर दीजिए, यानी कि 7 × 4 = 11, 7 × 5 = 12/2, यानी कि 6 हो जाएगा। समझ में आ गई? इन दोनों को आपस में जोड़ के डिवाइड कर लीजिए। इसको कैसे लिखेंगे, n/2 + n + 1/2 वहाँ पद, मतलब सिंपल सी बात है, जो भी दो बीच के होंगे ना उनको आपस में जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसके आधार पर आप निकाल सकते हैं। बाकी आप कोई समस्या खुद से ट्राई करिए, बाकी कोई समस्या हो तो फिर आपको बताई जाएगी। हाँ, इसमें एक और सवाल ये है कि माध्यिका अगर आपके वर्गीकृत आंकड़े में हो, जैसे कि ऐसे एक्स और वाई बार, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसको पहले आसानी से समझते हैं। अब आइए बात करते हैं बहुलक क्या होता है। देखिए बहुलक के बारे में बड़ा आसान सा है, यदि किसी आंकड़े में चर का वह मान जो सबसे अधिक बार आया हो, वह अर्थात किसी आंकड़ों के समूह की जिसकी बिंदु की आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई है, वो बहुलक कहलाता है। मतलब इस संख्या में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगा ना, वो बहुलक होगा। जैसे इसमें 5 देखेंगे तो 5 3 बार आया है, तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही इसका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई बहुलक के बारे में, ठीक है। तो ये पहली वीडियो थी, दूसरे वीडियो में मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा केवल सिंपली माध्यिका को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और उसके एक वीडियो में मैं सिंपली एक्सप्लेन करूंगा केवल मीन को, माध्य को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और एक वीडियो में आपसे एक्सप्लेन किया जाएगा कि केवल बहुलक को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अभी ये नॉर्मल डिस्कशन था जिसमें तीनों के बारे में हमने देखा, अब सेपरेट एक एक वीडियो करके हम चीज़ों को डिटेल समझ लेंगे ताकि एग्जाम्स में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये थोड़ी बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी चीज़ें समझने में। बाकी मैथ्स जो प्रॉब्लम होता है ना, वो दैट्स ऑलवेज हेल्प्स यू व्हेन यू डू सेल्फ प्रैक्टिस, सो दैट सेल्फ प्रैक्टिस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, एज मच एज प्रैक्टिस यू विल डू दैट मच यू विल गेट। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व द मैथ प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशन, यू मस्ट गो फॉर द सेल्फ प्रैक्टिस। तो एक बार स्वतः अभ्यास जरूर करें, ठीक है। बाकी जैसी भी कोई चीज़ें होती है मैं वीडियो बना के अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, अपने क्लासमेट को जोड़िए, एक अच्छी टीम बनाएंगे, साथ में पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।